So today we will study the law of mass action in the chemical kinetic. So it states that at a given temperature, the rate of reaction is directly proportional to product of the molar concentration of reactant. तो यहाँ पे जो मोलर कंसंट्रेशन का है तो हम इसको यूजली लॉ ऑफ मास एक्शन में हम इसे एक्टिव मासेस भी कहते हैं. तो एक्टिव मासेस को मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं. तो इट्स आल्सो इज द एक्टिव मासेस एंड मोलर कंसंट्रेशन. देन मैं जो से कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मासेस जो है वो रिएक्टेंट के ऊपर. तो दैट इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ मास एक्शन. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रिएक्शन है, हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिख लेते हैं, ए प्लस बी चेंज इन टू टू ए बी. तो देयर फोर जो रेट है रिएक्शन का वो रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है. तो फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट विल डिपेंड अपॉन द रिएक्टेंट ए एंड बी. सो देयर फोर द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी. एंड द स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये हमारी क्या है, मोलर कंसंट्रेशन, जो कि मैंने यहाँ पर बताया कि ये मोलर कंसंट्रेशन है. सो दिस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है. तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो देयर फोर दिस इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू के एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बी. सो ए एंड बी इज कॉल्ड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी. एंड हेयर के इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज ऑल्सो कॉल्ड रेट कॉन्स्टेंट. तो इस के को हम रेट कॉन्स्टेंट भी कहते हैं. अगर हम इस रेट कांस्टेंट को डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन है कि अगर हम ये जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की और ए की और बी की, इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए और इज इक्वल टू बी और इज इक्वल टू वन हो, तो देयर फोर अगर ये दोनों इक्वल यूनिटी हो जाती हैं तो देयर फोर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके बराबर आएगा, के. सो देयर फोर ये जो के को हम तब डिफाइन कर सकते हैं by from this equation. So the rate of reaction is also defined as the rate of reaction when the molar concentration of each reactant is unity. Sorry, यहाँ पे एक हम ये कैसे कहते हैं, this is called the rate constant. The rate of reaction नहीं है, the rate constant. The rate constant जो है, rate constant is defined as the rate of reaction when the molar concentration of each reactant is unity. So this is all about of the law of mass action. तो उसके साथ हम जो है rate constant को कैसे define कर सकते हैं. अब हमारे पास next topic आ जाता है, what is the order of reaction. अब ये order of reaction क्या होता है, so उसके लिए यहाँ पर definition देखें. It is the sum of power to which the concentration term are raised in the rate law equation to express the observed rate of the reaction. एक तो इसकी ये स्टेटमेंट है. एक और स्टेटमेंट भी मैं अभी बोल के बता देता हूँ कि इट इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट टू विच द मोलर कंसंट्रेशन आर द रेज टू एक्सप्रेस द रेट लॉ. So that means to say it is the sum of the power. So for example हमारे पास ये एक रिएक्शन है, this is A B C is going to change into product and here small a, small b and small c is the number of moles of the reactant A, B and C respectively. So therefore जो इसका रेट है तो रेट कैसे गिवन होता है ऑफ दिस रिएक्शन, the rate will be is equal to dx upon dt and minus sign is the decrease in the concentration of the reactant A, B and C. This will be equal to this k is the rate constant, molar concentration of the reactant A, molar concentration of the reactant B and molar concentration of the reactant C and their power yahan pe jo p q r r hai isi wajah se stoichiometric coefficient kehte hain hum. This is the stoichiometric coefficient. तो अगर P Q R है तो ये इसकी पावर में आ रही हैं जो stoichiometric coefficient है. तो हमने order of reaction को define किया था यहाँ पे sum of power.
देन मीन टू सी ये जो इसकी पावर में आ रही है कंसंट्रेशन की जो पावर आ रही है पी क्यू आर, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फिर किसके बराबर आएगा, इसको हम एन से लिखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को. सो देयर फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर. सो देयर फॉर दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं के टी द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म आर द रेज इन द रेट ला इक्वेशन. यहाँ पे एक बात बतानी जरूरी है कि वेयर पी क्यू एंड आर आर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल रिएक्टेंट एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ ऑर्डर टू द रिएक्शन इज द सम ऑफ दीज एक्सपोनेंट दैट इज पी प्लस क्यू प्लस आर. अब हमारे पास ये तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की मैंने बताया कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है. अब इसके साथ जो डिफरेंट एग्जांपल्स एग्जिस्ट करती हैं वो कौन कौन सी हैं, लेट्स सी कि फर्स्ट ऑर्डर एक्शन होती है, सेकंड ऑर्डर एक्शन होती है, थर्ड ऑर्डर एक्शन होती है, जीरो ऑर्डर एक्शन भी होती है. तो सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर एक्शन की एग्जाम्पल क्या है. तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज दी N2O5 गैस स्टेट में अगर डिकम्पोज करती है तो देयर फॉर वी गेट दी 2NO2 एंड ऑक्सीजन. देयरफॉर द रेट जो है इस इक्वेशन का दैट विल रेट ऑफ दिस रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस रिएक्टेंट. तो देयरफॉर दिस इज द N2O5 एंड इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा. तो अब इसकी जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे जो पावर 1 है तो देयरफॉर इसका जो ऑर्डर कितना होगा, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बिकॉज जो रेट है सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. सो देयरफॉर द दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर एक्शन. अब सेकंड ऑर्डर एक्शन देखें, सेकंड ऑर्डर एक्शन में यहाँ पे है कि 2NO2 इट गिविंग इट 2NO+O2. देयरफॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस वन. सो देयरफॉर रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू के, के इज द रेट कॉन्स्टेंट, NO2 एंड दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स हित यहाँ पे थे और ये इसकी स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट है. तो यहाँ पे इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमने बताया था कि इट इज द सम ऑफ द पावर, तब ये जो पावर है इसकी, तो अब पावर इसमें इसमें आ रहा है कि यहाँ पे नंबर 2 आ रही है. सो देयर फोर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इस इक्वेशन के लिए जो इसकी पावर 2 आ रही है दैट मीन टू इसका ऑर्डर कितना है, इट इज द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. सिमिलरली यहाँ पे एक और एग्जांपल है कि प्लस H2+I2 अगर 2HI में चेंज हो जाता है तो देयरफॉर रेट विल बी इक्वल टू के इनटू H2 एंड देयर मोलर कंसंट्रेशन एंड I2 एंड देयर मोलर कंसंट्रेशन, देयर आर द टू रिएक्टेंट हेयर. तो देयरफॉर अगर इसकी पावर यहाँ पे 1 है और इसकी पावर भी 1 है, सो देयरफॉर हम जब पावर 1 है तो ऑर्डर जो होता है वो पावर का सम होता है. तो देयरफॉर दिस 1+1 कितना हुआ, 2. सो देयरफॉर इस रिएक्शन का ऑर्डर भी कितना हुआ, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. दिस इज द 2 आया तो देयरफॉर दिस इज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. इसी के साथ एक और एग्जांपल भी है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. बाय द वे द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आर द वेरी रेयर बिकॉज सिमल्टेनियसली अगर हम देखें कि थर्ड रिएक्शन जो है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन जो है वेरी रेयरली एग्जिस्ट करती हैं. सो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए एग्जांपल देखिए कौन सी है, रिएक्शन बिटवीन नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. दिस इज द 2NO+O2 एंड दे गिविंग टू द 2NO2. अब यहाँ पे देखें कि इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने, 2 और इसके 1. सो देयरफॉर रेट बैंड फॉर्मेशन ऑफ 2NO2 विल डिपेंड अपॉन दिस रिएक्टेंट और दिस रिएक्टेंट. और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, के इज द रेट कांस्टेंट और NO देयर मोलर कंसंट्रेशन एंड देयर स्केयर आ जाएगा. यहाँ पे ये इसका नंबर ऑफ मोल है लेकिन ये स्टैकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है. तो उसके बाद यहाँ पे O2 एंड देयर मोलर कंसंट्रेशन. तो यहाँ पे इसकी पावर तो 2 है और इसकी पावर कितनी है, 1. सो एज वी नो दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर, तो देयर फॉर द पावर इसकी 2 है, इसकी 1 है, तो 2+1 इज द 3. सो देयर फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हुआ, 3. एक हमारे पास फ्रैक्शन ऑर्डर की एग्जांपल भी एग्जिस्ट करती है, तो उसके लिए बेस्ट एग्जांपल इज़ द डीकम्पोजिशन ऑफ द डीकम्पोजिशन ऑफ द स्टैल्डिहाइड इज द फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन. दैट इज फॉर एग्जांपल दिस इज द स्टैल्डिहाइड, व्हेन इट डीकम्पोज इट गिव द मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड.
So therefore, the formation of this methane and carbon monoxide will depend upon the concentration of the acetaldehyde. So therefore, the rate is equal to K. K is the rate constant, and this is the acetaldehyde, and their molar concentration is the 3/2. So yahan pe order of fraction kitna hai power mein 3/2, and therefore 3/2 is the 1/5. So therefore, this is the fractional order example. इसके बाद एक एग्जांपल है जीरो डायरेक्शन की. अब जीरो डायरेक्शन कौन सी होती है? फॉर एग्जांपल द डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया एट द सरफेस ऑफ द मेटल लाइक गोल्ड, प्लैटिनम एट्सेट्रा इज जीरो डायरेक्शन. अब यहाँ पे देखें, ये अमोनिया है एंड दिस इज द प्लैटिनम is the catalyst at the 1130 Kelvin ke upar decompose hota hai, so therefore nitrogen and hydrogen gas banegi. It has been observed that the rate of the reaction is independent of the concentration of ammonia. That means the formation of this nitrogen and ammonia is independent upon the concentration of ammonia. So that do not depend upon the concentration of this one. So therefore, अगर इसकी फॉर्मेशन इसके कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, सो देयर फोर रेट इज इक्वल टू डी एक्स पॉइंट डी टी एंड दिस इज के, एंड अमोनिया की मोलर कंसंट्रेशन की पावर यहाँ पे कितनी है? ज़ीरो. तो अगर ये ज़ीरो है तो देयर फोर रेट किसके बराबर हुआ? के. तो देयर फोर ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन कितना हुआ? ज़ीरो. तो जिसकी पावर ज़ीरो है, दैन मीन टू से उसकी डेफिनेशन में हमने यही कहा था कि इट इज़ द सम ऑफ द पावर, तो पावर इज़ ज़ीरो, देयर फोर ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन इज़ द ज़ीरो. So these are the various type of the order of fraction and their examples. इसके बाद आ जाता है हमारे पास कि हमने अभी different type of order of fraction पढ़े, तो उसकी अब unit कैसे find out कर सकते हैं. तो सबसे पहले different order of fraction के unit find out करने से पहले हमें unit जो है rate constant के पता होना चाहिए और unit of rate of fraction के पता होना चाहिए. तो rate of fraction किस का formula क्या है? तो यहाँ पे देखें, रेट ऑफ फ्रैक्शन जो है वो किसके बराबर होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम. तो रेट ऑफ फ्रैक्शन जो है चेंज इन कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन के यूनिट क्या होते हैं? मोल लीटर इनवर्स. और टाइम के यूनिट क्या होते हैं? सेकंड. तो यहाँ पे मोल लीटर इनवर्स तो है ही है, दिस सेकेंड इनवर्स जो डिनोमिनेटर में है ये जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा सेकेंड इनवर्स. सो देयर फोर रेट ऑफ फ्रैक्शन के यूनिट क्या हैं? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. अब ये तो हो गए रेट ऑफ फ्रैक्शन के यूनिट. अब हमारे पास आ जाता है कि यूनिट हमने फर्स्ट ऑर्डर के या जीरो ऑर्डर के कैसे फाइंड आउट करने हैं. सबसे पहले अगर हम जीरो ऑर्डर फ्रैक्शन की बात करें, मैंने अभी एग्जाम्पल बताई थी जिसमें डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया था, तो अमोनिया की डीकम्पोजिशन जो है वो इंडिपेंडेंट होती है जब रेट ऑफ फार्मेशन होती है लाइक दिस. अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे कि फॉर्मेशन ऑफ N2 और 3H2 डिपेंड इज इंडिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, दिस इज द जीरो डायरेक्शन. तो देयरफॉर जो रेट है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता. तो यहाँ पे के की जो मोलर कंसंट्रेशन की पावर कितनी है? ज़ीरो. तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेट है, तो रेट इज इक्वल टू के एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड रेज टू पावर जीरो. फॉर एग्जाम्पल अभी हमने अमोनिया की बात की थी तो उसकी पावर ज़ीरो है, तो देयर फोर जो रेट है, देयर फोर दो रेट किसके बराबर होगा? ओनली ऑन द के. एंड जो के है तो रेट का मतलब है यहाँ पे रेट ऑफ फ्रैक्शन है, तो रेट ऑफ फ्रैक्शन के यूनिट क्या होते हैं? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. तो देयर फोर जो के है रेट कॉन्स्टेंट के यूनिट क्या निकले फॉर जीरो ऑर्डर डायरेक्शन के लिए? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इज द यूनिट ऑफ द रेट कॉन्स्टेंट फॉर द जीरो डायरेक्शन. उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास यूनिट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डायरेक्शन. अगर हम फर्स्ट ऑर्डर डायरेक्शन की बात करें तो रेट जो है फर्स्ट ऑर्डर डायरेक्शन के लिए हमारे पास इज इक्वल टू किसके बराबर है? के. एंड ए जो है सपोज हमारे पास एक रिएक्टेंट है, और फॉर एग्जांपल इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि सपोज दिस द ए इज़ गोइंग टू चेंज इनटू द प्रोडक्ट
और अगर इसका रेट इस तरह से लिखेंगे तो रेट इज इक्वल टू के एंड दिस इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए एंड देयर पावर वन. अब अगर इसकी पावर वन है दैट मीन टू से ये जो ऑर्डर इसका वन है. अब रेट ऑफ फ्रैक्शन की यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये तो रेट ऑफ फ्रैक्शन की यूनिट है. के को हमने ऐसा चले दिया और ये जो कंसंट्रेशन है तो दिस इज द मोलर कंसंट्रेशन. अब कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स एंड उसकी पावर वन है. अब इस मोल के साथ ये मोल कैंसिल, लीटर इनवर्स के साथ ये लीटर इनवर्स कैंसिल, तो के की यूनिट क्या निकले, सेकेंड इनवर्स. सो दिस के द सेकेंड इनवर्स जो है ये किस फर्स्ट ऑर्डर एक्शन के यूनिट आ जाते हैं. इसी तरह से हम सेकेंड ऑर्डर एक्शन के भी यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं. अब ये जो सेकेंड ऑर्डर एक्शन है उसके लिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल 2A चेंज इन टू द प्रोडक्ट. अगर ये 2A चेंज इन टू प्रोडक्ट है दैट मीन टू से कि ये एक रिएक्शन है जिसके लिए इस रिएक्शन का जो रेट है उसको हमने ऐसे लिखा है, द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू के एंड के द रेट कॉन्स्टेंट ऑर्डर है जिसे हम कहते हैं कि कॉन्स्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड दिस इज द मोलर कंसंट्रेशन एंड द रेज टू पावर टू दिस इज द स्टोइकोमेट्रिक. यहाँ पर यह नंबर ऑफ मोल है लेकिन जब इसकी पावर में लिखते हैं तो दिस इज कॉल्ड द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट. अब ये जो रेट ऑफ फ्रैक्शन है, रेट ऑफ फ्रैक्शन के यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. के तो हमारे पास यहाँ पे ऐसा ही लिख देंगे हम ऊपर से. और ये जो कंसंट्रेशन है उसकी यूनिट होते हैं मोल लीटर इनवर्स. अब इसकी पावर टू है तो दिस होल रेज टू पावर टू होएगा. तो यहाँ पे ये बन गया मोल स्केयर एंड दिस बिकम द लीटर स्केयर इनवर्स एंड दिस द मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. अब यहाँ पे तो मोल है, यहाँ पे मोल स्केयर है, दिस कैंसिल लीटर इनवर्स एंड दिस इज द लीटर स्केयर इनवर्स कैंसिल. सो देयरफॉर अगर के का के यहाँ पे लिख दें तो ये जो लीटर इनवर्स था जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये बन गया लीटर एंड दिस इज द मोल जिसकी पावर स्केयर में थी. अब यहाँ पे वन है तो यहाँ पे इधर जाके ये इनवर्स हो जाएगा एंड सेकेंड इनवर्स इज देयर. सो देयरफॉर के की यूनिट क्या निकले फॉर सेकेंड ऑर्डर एक्शन के लिए, लीटर मोल इनवर्स एंड द सेकेंड इनवर्स. सो दिस इज द यूनिट ऑफ द सेकेंड ऑर्डर एक्शन. सिमिलरली यूनिट ऑफ द थर्ड ऑर्डर एक्शन के लिए भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. उसके लिए भी सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है दैट इज़ अ 3A चेंज इन टू द प्रोडक्ट. तो उसके लिए भी हमने क्या किया कि इस रिएक्शन का जब हम रेट लिखेंगे तो रेट इज इक्वल टू किसके बराबर है, के एंड ए रेज टू पावर 3 एंड रेट ऑफ फ्रैक्शन की यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. और ये के इज द रेट कॉन्स्टेंट और ये कंसनट्रेशन के यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स एंड देयर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे 3 जो है उसकी पावर आ रही है. तो ये बन गया मोल क्यूब एंड द लीटर जो है इनवर्स क्यूब. तो अब ये मोल इधर है, ये मोल का क्यूब है, ये लीटर इनवर्स है, तो यहाँ पे लीटर इनवर्स क्यूब है, तो इनको हम कैंसिल कर देंगे. तो फाइनली के की यूनिट क्या निकलेंगे हमारे पास, दैट विल बी द दिस इज द इनवर्स ना, तो ये इधर से ये अब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे स्केयर इनवर्स रह जाएगा. तो ये इधर जाके लीटर स्केयर, दिस ऑन दिस साइड इज द मोल इनवर्स, सेकेंड इनवर्स इज फ्रॉम हेयर एंड दिस इज द के. सो देयरफॉर के की यूनिट ये निकल जाएंगे फॉर दी थर्ड ऑर्डर एक्शन के लिए. सो दीज आर द ऑल अबाउट ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द यूनिट. इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एक्शन. अब हमने एक्सप्रेशन पढ़ना है कि हम जो फर्स्ट ऑर्डर एक्शन का एक्सप्रेशन जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो लेट्स सी, सपोज हमारे पास रिएक्टेंट ए है एंड ए रिएक्टेंट इज गोइंग टू चेंज इनटू प्रोडक्ट एंड लेट ए इज ए रिएक्टेंट. ये ए तो एक रिएक्टेंट है एंड अगर ये एक रिएक्टेंट है एंड स्मॉल ए क्या है हमारे पास, क्या है
that is the small a is the mole liter inverse concentration is initial concentration of reactant A. Then मैं तो see जो ये small a है ये क्या है हमारे पास initial concentration जो है वो reactant A की है mole liter inverse में. अगर इसमें से x number of mole जो है decompose हो जाते हैं, इसमें से x number of mole decompose हो जाते हैं, let x is the number of mole decomposes at the time t. अगर इसमें से x number of mole decompose हो जाते हैं तो therefore at the time t तो इसकी concentration कितनी रह जाएगी a minus x. So therefore at the time t the reactant A उसकी concentration कितनी रह जाएगी a minus x. Then मैं तो say जो rate of formation of product है वो किसके ऊपर depend कर रहा है इस concentration के ऊपर that is a minus x. तो तब हमने rate of reaction का जो formula apply किया तो rate of reaction is equal to is the directly proportional to the concentration of a minus x. So अगर ये directly sign है इसको हम proportionality sign को remove कर देते हैं this is the k is the rate constant and a minus x. And we, as we know that कि ये जो rate है इसको हम लिखते हैं rate of reaction को dx upon dt और ये है k a minus x. अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो x वाली टर्म एक तरफ आ जाएंगे और t को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो therefore ये क्या बन गया this is the dx is here तो a minus x इधर डिनोमिनेटर में आ गया so therefore k dt इधर चला गया. अब हम इस इक्वेशन को जब इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेट द दिस इक्वेशन फ्रॉम 1 बाय दिस 0 टू x एंड टाइम फ्रॉम 0 टू t एंड इसकी इंटीग्रेशन से हमें दिस इज द माइनस log a माइनस x इज इक्वल टू k t n प्लस c. द c इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब इस इक्वेशन को अगर हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया in order to find this value of the c to we have to apply the sum limit limit here apply let's see ke in c ko find out karne ke liye hum kya karenge jab time zero tha mean to say ke when time zero hai ye is reaction ke liye jab ye start nahi hui thi जब ये स्टार्ट ही नहीं हुई व्हेन द टाइम इज जीरो दैट मीन टू से कि एक्स नंबर ऑफ मोल डीकंपोज ही नहीं हुए थे दैट मीन टू से व्हेन द टाइम इज जीरो तो एक्स की वैल्यू कितनी है जीरो. अगर ये वाली लिमिट हम यहां पे पुट अप कर दें तो ये वैल्यू यहां पे पुट अप कर दें सॉरी लिमिट नहीं है सो व्हेन द टाइम इज जीरो देन एक्स की वैल्यू कितनी है जीरो. पुट अप दिस दीस वैल्यू इनटू द इक्वेशन नंबर 1 this is the minus log a x ki value to 0 hai jab t ki value 0 hai k into 0 plus c to therefore c ki value kitni aayi minus log a to c this is the equation number 2. to is tarah se hum jo hai constant of integration ki value find out kar sakte hain. ab is equation 2 ko 1 mein put up karenge to jab humne ye value equation ko isme put up kiya to ye माइनस लॉग ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी की वैल्यू तो यहाँ से थी और प्लस सी था ये तो सी की वैल्यू किसके बराबर आई माइनस लॉग ए तो देयर फोर के टी यहाँ पे है तो के टी की वैल्यू अगर तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में तो दिस इज द लॉग ए ये माइनस में था माइनस लॉग ए माइनस एक्स देयर फोर इसको हम जब रीअरेंज करेंगे के टी इज इक्वल टू लॉग this is the a divided by a minus x and k is equal to it is the 1 by t natural log a divided by a minus x. agar hum is natural log ko base 10 mein change karte hain to therefore we have to multiply with the 2.303 therefore k is equal to 2.303 divided by t log a minus x. so this is called as the rate जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है उसका एक्सप्रेशन है उसको फाइंड आउट करने का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट जो है फाइंड आउट करने के लिए. सो थैंक यू.